अब आप खरीद सकते हैं शिव्स म्यूजिक फ्लूट अमेजन पर, वो भी किफ़ायती दाम में। इसके साथ आपको मिलेगा एक कैरी बैग, एक बांसुरी और लिखा हुआ मैनुअल। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जो कृष्ण जी की बहुत ही प्यारी धुन है महाभारत की, जिसकी काफी डिमांड आती है। तो इसको इस लेसन में हम सीखेंगे, तो आप ये वीडियो पूरी देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा और आप बजा भी पाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। तो एक बार मैं आपको सुना देता हूं कि कौन सी धुन की बात कर रहा हूं मैं, फिर उसके बाद हम सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये धुन हम सीखने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो दिए हुए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल मत कीजिएगा, मैसेज कर सकते हैं और डिटेल्स ले सकते हैं। और ये फ्लूट है, ये बांसुरी है, जी बेस स्किल की मेरी ही कंपनी है शिव्स म्यूजिक फ्लूट। अगर इसको आप लेना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है और बाकी स्किल्स भी अवेलेबल है। तो आइए देखते हैं शुरू कहां से करना है अब आपको। तो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हम चलते हैं, एक एक करके उसको पार्ट में डिवाइड कर लीजिए आप कि पहले ये वाला पार्ट करना है, फिर उस पर हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहली जो स्टार्टिंग उठाना है आपको वो देखिए, ठीक है, ये वाला अफेक्ट लाना है। अभी कैसे आएगा इसको धीरे धीरे देखिए, ये फास्ट था, अब देखो आपको सिर्फ तीन नोट्स में खेलना है, पा नी और सा, लेकिन लो ऑक्टेव का। ठीक है दोस्तों, जो आपको उठाना है वो लो ऑक्टेव का उठाना है। ये हमारा सा हुआ, ये नी होता है, ये ध होता है और ये प होता है। तो आपको प नोट से उठाना है, ठीक है। प नी, प के बाद आपको जंप करना है नी पर, लेकिन नी पर इस तरीके से आना है कि वो इफेक्ट है प नी, तो वो ये वाला फैक्ट, ये वाला ब्रिज जो है वो कैसे आएगा, वो आपको स नोट पर टच करके फिर नी पर लाना है, धीरे धीरे से क्लोज करना है। ऐसे झटके से क्लोज करोगे तो वो साउंड नहीं आएगा। देखिए ये आपने झटके से किया तो वो साउंड नहीं आया। अब आराम से पोलाइट लिख कीजिए, पानी फ्लो बनना चाहिए तब वो अफेक्ट आता है। तो आपको क्या करना है, प के बाद आना है नी पर और वो अफेक्ट मैंने बताया कैसे, स को टच करके नी पर आना है इस तरीके से, प नी सा नी सा नी सा, प नी सा नी सा नी सा, आ आ प नी सा नी सा नी सा। आपको नोटेशंस चाहिए अगर तो टेलीग्राम ग्रुप में जो कि फ्री है वहां पर आपको मिल जाएंगे, और हिंट आपको मिलेंगे। पूरी नोटेशंस मैं नहीं देता हूं किसी भी चीज की, ऐसा इसलिए क्योंकि जिससे आपको सीखने को मिलेगा। अगर आपको मैंने हिंट दे दी फिर आप उससे और जानने की कोशिश कीजिए कि इसके आगे क्या होगा, मैं किस तरीके से बजाऊं। जब तक आप खुद से प्ले नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। इतना हुआ प नी सा नी सा नी सा, प नी सा नी सा नी सा, इतना हुआ। इसके बाद अब सेम चीज आपको नी और रे नोट पर करनी है। देखिए हमने किया प और नी नोट पर, अब आपको नी और रे नोट पर करना है। यहां तक हो नी रे गा रे गा रे गा, पहले हम कर रहे थे प नी, अब करेंगे नी रे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, सिंपल तरीके से करना है, तो आपको समझ में भी आएगा। अब जो सीखा है उसको एक बार फिर लेते हैं स्लो मोशन में।
सीखना हुआ, अब इसके बाद आइए। सेम चीज आपको करना है लेकिन हल्का सा चेंज है, अब वो आपको खुद गैस करना है क्या चेंज है। मैं स्लो मोशन में आपको सुना के बता देता हूं, इतना हुआ। अब आपको क्या करना है, देखिए हिंट देता हूं आपको, सेम चीज आपको नी और रे पर करना है। ठीक है दोस्तों, इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं क्योंकि रिपीटेशन ही है, ठीक है। हल्का सा चेंज है, वो आपको थोड़ा सा गैस करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, उससे आ जाएगा। अब यहां तक जो सीखा है इसको स्टेप बाय स्टेप देखिए। यहां तक हुआ, इसके बाद पमागरे। अब जो प के बाद आप म लेंगे वो होगा म तीव्र। म तीव्र कब होता है, जब हम सारे होल्स ओपन रखते हैं, ठीक है दोस्तों। पमागरे। अब यहां पर म शुद्ध भी आएगा। हाँ ये है म शुद्ध, ये है म तीव्र, ठीक है दोस्तों। तो म शुद्ध के बाद म तीव्र आता है, यहां पर म शुद्ध। म ग रे सा नी सा प म ग रे, यहां पर म तीव्र लगा था, म म ग रे, यहां पर म शुद्ध लगा है, सा नी सा, ठीक है दोस्तों। यहां तक हुआ, अब एक बार फिर से पूरा लेते हैं। ये वाले नोट सीधे दिल को छूती है, अब वो कैसे छुएगी, क्या होता है, जो हम अभी तक प्ले कर रहे थे सा पर, सा पर आके हमने खत्म किया, अब अचानक से सा के बाद जंप किया है ना, सॉरी नी शुद्ध पर, सा पर हो गया था खत्म, नी शुद्ध है मीडियम ऑक्टेव का, तो मीडियम ऑक्टेव में आपको हाई वाला साउंड आएगा क्योंकि लो ऑक्टेव में हम पहले बजा रहे थे, ये वाला नोट था, ये हमने मीडियम ऑक्टेव पर खत्म कर दिया सा पर, और लो ऑक्टेव का नी टच किया था। अब यहां से सा से आपको नी पर जंप करना है मीडियम ऑक्टेव वाला, यहां से जंप कीजिए। आपको क्या करना है, नी नी सा सा सा, नी नी सा सा सा, तो जब आप तीन बार सा 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 बोलेंगे तो तीन बार यहां पर आप स्ट्रोक देंगे, नी नी सा सा सा, ठीक है। इसको फिर से देखिए, नी रे सा नी नी सा 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 नी रे सा, सा नी प म म, फिर से म तीव्र लगा है, इसके बाद मधा पा
ठीक है, फिर से देखिए। मा तीव्र धारा पा मा ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको बजाने की प्रैक्टिस करनी है, कोशिश करनी है। मुझे मालूम है पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार नहीं आएगा, दसवीं बार तो आएगा, पंद्रहवीं बार तो आएगा, तो आपको हार नहीं माननी है कुल मिलाकर। तो आप क्या कीजिए, कीजिए क्या किया कीजिए कि पहले आप बेसिक को पकड़िए, पहले आप तोड़ तोड़ के बजाइए उसको स्टेप बाय स्टेप, फिर उसमें अफेक्ट बाद में लाने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि आप पहली बार में उसको अच्छा करने की कोशिश कर गए ना, पहले आप रफ रफ बनाइए, फिर उसको फेयर कीजिए। जैसे हम स्कूल में करते थे रफ कॉपी फेयर कॉपी, पहले हम रफ में प्रैक्टिस करते थे, तो उसी तरीके से आपको पहले नोटेशंस पता करना है कि कौन कौन सी सुर आपको निकालने हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको बजाने की कोशिश करना है। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, और आप मेरे पेड कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करके या फिर टेलीग्राम पर। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम अगले ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।